हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज है शनिवार। आज बच्चों की भी छुट्टी है और हमारी भी छुट्टी है और आज हम सभी अपने खेत में आए हुए हैं। आज करने वाले हैं गोभी की हार्वेस्टिंग, यानी गोभी की कटाई। तो देखिए, पीछे माँ और भाभी लगी हुई है, पापा भी लगे हुए हैं और सभी बच्चे लगे हुए हैं। चलो आपको दिखाते हैं कैसे गोभी की हार्वेस्टिंग की जाती है। जी हल्की हल्की बूंद आनी भी शुरू होगी। ऊपर बादल है नहीं, देखिए थोड़े से बादल है लेकिन बूंद थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई है। ज़्यादा तो नहीं है, धूप भी निकली हुई है और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी होनी शुरू हो गई है। ये देखो छोटी सी बादल है मेरे ऊपर। हाँ दिखाओ, चूंड के दिखाओ, पत्ते तोड़ के दिखाओ। शाबाश। और ये फूल हैं जी अपने, देख सको कैसे आप फूल है। और आज का भाव है वो आपको बता देंगे थोड़ी देर में, अभी क्योंकि 9:30 बजे के आसपास भाव खुलता है तो आपको बता दिया जाएगा क्या रेट आज का होलसेल का। और ये अपना खेत है चारों तरफ का, देखिए हाँ भाई, कुछ कहना चाहेगा हिमांशु? कुछ कहेगा बोलो। सभी को नमस्ते। आज स्कूल क्यों नहीं गया? छुट्टी थी दो दिन की। दो दिन की? किस चीज की छुट्टी आज? मंडे की और संडे। मंडे की और संडे की? आज सैटरडे फिर। ये देखो ये फूल होता है, इसको कैसे तोड़ते हैं, जो फूल का ये है ना लेवल का, यहाँ से तोड़ते हैं। देखो ऐसे आपके छोटे छोटे हाथ हैं तो दो दो तोड़ सकते हो इस प्रकार से, ऐसे ऐसे मुझे भी तोड़ दे। ऐसे देखो, ऐसे इसको बैंड करना है, यहाँ से पढ़ के ऐसे बैंड करना है ये, ठीक है। अगर आपका हाथ बड़ा होता मेरी तरह तो 4-5 पत्ते पकड़ के इस प्रकार तोड़ सकते थे, लेकिन आपके छोटे छोटे हाथ है तो इस प्रकार ही तोड़ना है, एक दो दो पत्ता। ये देखो ये फूल होता है ना, ये गोभी का फूल है, इसका लेवल का तोड़ना है यहाँ पर। अगर यहाँ से तोड़ेंगे तो वजन कम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तोड़ो, तोड़ के दिखाओ। ये देखो, देखो मैंने तोड़ दिया। ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना होता है। देखो देखो मैं बताता हूँ, ऐसे ऐसे पकड़ो ऊपर से यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ो, ऐसे तोड़ो, ये करके तोड़ के दिखाओ। दो दो पत्ते पकड़ो, हाँ फूल को ऊपर से पकड़ो, हाँ इस प्रकार से थोड़े पकड़ो, पत्ते थोड़े पकड़ो, हाँ। और मिट्टी नहीं लगने देनी है फूल पे, ठीक है। नीचे पत्ते डालने हैं, उसके ऊपर फिर रखने, ठीक है, ठीक है क्या? यस बोलो। हाँ हाई देखा, अच्छे बहुत अच्छे। फिर तुम्हारे लिए चीज लेके आएंगे आज बाजार से। अभी जैसे बारिश हुई थी ना, बारिश की वजह से ये बीमारी आ गई भाई,
ये देखो जो फूल है ना वो काले होने शुरू हो गए, दाग हो गए हैं। तो थोड़ी थोड़ी ये लगा लो 5-4% ये बीमारी आई हुई है गोभी के अंदर, तो इसकी दवाई तो डालनी पड़ती है हमें, वरना सारे फूल ऐसे ख़राब हो जाएंगे। ये देखो ये आगे व्यापारी आगे गोभी देखने, ये भी बताओ के बा खुलिया है के बा भाई व्यापारी साहब? अभी खुलिया नहीं है, 9:30 बजे। हाँ 9 बज जाएंगे, 9:30 तो बनी हुआ है। अच्छा कितनी बजे तब? 25 चल रही है अभी, देखो 25 तो कौन हो भी सकता है। अभी साथियों गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कमर पे धूप इतनी लग रही, देखिए मैंने गोभी के पत्ते लगा रखे हैं ताकि धूप की जो चपड़की है ना वो ना लगे, बहुत तेज़ धूप है और थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक पीनी पड़ेगी भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है और माँ के लिए भी एनर्जी ड्रिंक बना के ले जानी पड़ेगी। एनर्जी ड्रिंक अपने खेत की है भाई, जो कि आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। एनर्जी ड्रिंक ये बच्चे हैं भाई, इधर थोड़ी गोभी कटवाई इन्होंने और अब ये पार्टी कर रहे हैं। देखो माल्टा की मौसमी की कोई ना, और ये गोभी भाई अपनी ये देखो, ये लगी हुई जी अपनी एनर्जी ड्रिंक, इनका रस निकाल के पियेंगे भाई, थोड़ी सी गर्मी से रात में लेगी, लू को लगेगी भाई, माँ को भी पिलाना है और मैं ही पी लूँगा भाई। ये लगी अपनी, इनका रस निकाल के पी लेंगे। चलो भाई 4-5 तोड़ लिए हैं, इसका रस निकालते हैं अभी। लो जी ये ले आए हैं, अब इसको चाकू तो है नहीं भाई खेत में, इससे काटेंगे, लकड़ी काटने वाला जो दरात होता है ना इससे काट के फिर बनाएंगे। लो जी काट लिए हैं, अब निचोड़ने बाकी हैं, फिर नमक मिला करके पियेंगे। शायद आपके मुंह में पानी आ गया होगा भाई ये देख के, वाह एकदम से एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे इसका, ये देखो एकदम डिलीशियस। बिल्कुल भरे पड़े रस के भाई, देखो लो जी 2 एनर्जी ड्रिंक बना दिए हैं। फिलहाल छालनी है नहीं तो बीज इसके अंदर ही रहेंगे, नमक हमने काढ़ा मिला दिया है, अभी पी के देखते हैं कैसा बना है। एकदम मज़ेदार है भाई, थोड़ी एनर्जी तो मिलेगी इससे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी गोभी काटनी और बाकी है फिलहाल, अभी भाव निकला नहीं है, भाव निकलेगा वो भी आपको बताएंगे। कल था 23 रुपये किलो, आज शनिवार करके शायद 21 या 20 रुपये किलो होगा होलसेल का रेट। चलो देखते हैं, आधा घंटा और बचा हुआ अभी। तो जी हो गया टी ब्रेक या अभी चाय, साथियों अभी भाव निकल चुका है और 22 रुपये प्रति किलो का भाव आज निकला है, कल था 23 रुपये किलो के हिसाब से, आज है 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होलसेल का रेट, और 1 रुपया कम हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, और भाव जो निकलता है ना 9:30 बजे के आसपास निकलता है, सब्जी मंडी में जो आड़ती होते हैं और जो व्यापारी होते हैं ना उनकी मीटिंग बैठती है और रोज़ाना नया भाव निकलता है, तो आज का जो भाव निकला है 22 रुपये प्रति किलो, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी गोभी और रहेगी काटनी, आधे घंटे में सारी कट जाएगी, और हमने वहाँ पर ढेर लगा दिया है,
और यहाँ से लोड करके वो अपने आप जो व्यापारी जिसने ली है वो खुद इसको पैकिंग करेंगे और फिर शाम को कंडा करके गड्डी लोड करके यहीं से खेत से ले जाएंगे। हमें सिर्फ गोभी खेत से काट करके एक जगह ढेर लगाना होता है, वो अपने आप तोल के ले जाएंगे, हमें पर्ची दे जाएंगे, पर्ची मंडी में दिखा करके वहाँ से पेमेंट हमारी हो जाएगी। तो काटते हैं गोभी थोड़ी सी और भी। साथियों सुबह के गोभी काटने लग रहे हैं और इतनी तेज़ गर्मी थी बिल्कुल तेल निकाल दिया भाई। और अब जाके देखिए जब गोभी कटने को आ गई ना, बस 15-20 मिनट का काम रह गया गोभी कटने में और अब जाके ठंड हुई है। पता नहीं भगवान भी साथ है या नहीं है। देखो बादल हो चुके हैं पूरे गहरे वाले और ठंड हो चुकी है बिल्कुल, हवा भी चल पड़ी है। तो कुछ कहना चाहेगी बोलो। मैं हाँ, कैसा महसूस हो रहा है गोभी काट के? बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो गया है। ये ऊपर क्या है? ये टोकरी है, इसके अंदर गोभी डाली जाती है, पूरी भर लेते हैं इसको, बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, फिर इसको ये डालने चले जाते हैं। देखो डाकू खड़क सिंह। यस, ऐसे ऐसे डाकू रोज होने चाहिए। तो भाई मैं अभी जाता हूँ पानी लेने के लिए। अभी जो गोभी की कटाई तो हो चुकी है लगभग, अब इसकी खुदाई करें कसोले के साथ ना, खोदेंगे, घास बहुत हो चुका है गोभी के अंदर, तो जो लेबर लगेगी ना 8-9 लोग हैं वो इसकी खुदाई करेंगे। और मैं उन लेबर के लिए पानी लेकर आ रहा हूँ नलके से। हमारे खेत में पीने का पानी थोड़ा नहीं है, तो ये लगा लो 1 किलोमीटर दूर से ले जाना पड़ेगा, बाइक पर लेकर आते हैं। तो मैं भी जाता हूँ पानी लेने के लिए। ये पानी की कन्नी भी ले आती है, अभी थोड़ी देर में लगने वाले वो लेबर है ना उधर वाली, वो लेबर अपने लगेगी सारी। अभी चलते हैं गोभी काट लिए, खाना खाते हैं। अभी खाना आ गया अपना और बिल्कुल नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये पड़ी अपनी गोभी और ये भाई मिर्च है, तड़ी हुई कड़ी है, आलू की सब्जी है, लस्सी है, रोटी है, अरे लस्सी की डोली भाई एकदम से प्योर लस्सी, और प्याज कट रही है। तो खाते हैं अभी खाना नीचे बैठ करके, एकदम लजीज। ये मज़ा आपको 5-स्टार होटल में नहीं आएगा, जो आपको खेत में बैठ के नीचे बैठ के बड़ा आनंद के साथ खाना खा रहे हैं। और अभी आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, यहाँ पर जो आप बोलते हैं ना सैलड, सैलड है, उस सैलड नहीं, यहाँ पर सीधा सलाद होती है और फोड़ के दिखाना। ये देखो ये प्याज है, इसको ना इस तरह फोड़ के खाते हैं, ये देखो इस तरह फोड़ के खाते हैं प्याज। तो चलिए खाना खाते हैं, अगर आप कोई भूखो तो खा सकते हो। बूंद भी आ गई और ना भी लिए हैं, बूंद आ गई तेज, देख सको हो, बुलट पलात दिए जवार और जा रहे हैं घर की ओर। और बारिश शुरू हो गई भाई, बादल देख सको। अच्छा सुप्रिया चले, अभी घर पर आते ही हमें एक मेडिसिन तैयार करनी थी किसी की, तो सबसे पहले उस मेडिसिन को तैयार करते हैं। सुप्रिया भी साथ में लगी हुई है और मैं भी इसकी कुटाई करने में लगाया हूँ। और मेडिसिन बनाने के बाद जाना है खेत में दोबारा से चाय लेकर के, चाली राम गोभी पैक कर रहा है उसकी। अभी जी शाम वाली चाय खेत में लेकर आ चुके हैं और भाई है चंदी राम, वो कर रहे हैं चाचा की गोभी की पैकिंग और चाय गर्मा गर्म आ चुकी है भाई। ये देखो भाई चंदी राम, लो जी चाय, देखो भाई पैकिंग चल रही है इधर, गर्मा गर्म चाय पियो। लो जी अब हो रही है अपनी गोभी की पैकिंग, ये देखो भाई अपना ढेर है और ये पैक कर दिए फिलहाल। तो साथियों अभी घर पर सब्जी के लिए ले जा रहे हैं गोभी के फूल, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो हमारा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, टिल देन गुड बाय।